we were discussing the provisions relating to value of supply और हम लोग ये चैप्टर वैल्यूएशन बहुत इम्पोर्टेंट है जीएसटी के अंदर सेक्शन 15 जो है सीजीएसटी एक्ट 2017 इसके अंदर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई के प्रोविजंस हैं कैसे हम वैल्यूएशन करेंगे गुड्स और सर्विसेज का उसके अलावा रूल 27 टू रूल 35 ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017 दे कंटेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू व्हाट द वैल्यूएशन इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस सो फंडामेंटली दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका पक्का इस चैप्टर के अंदर में से आता है आपको पता है कि जीएसटी कैसे लग रहा है जीएसटी इज बेसिकली क्या एड वेलोरम लेवी है क्या हो गई एड वेलोरम लेवी एड वेलोरम मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ये वैल्यू के बेसिस पे जीएसटी लग रहा है ठीक है वैल्यू कैसे निकालेंगे वैल्यू निकालेंगे सेक्शन 15 के अनुसार जैसे सपोज कीजिए गुड्स की वैल्यू है 5 लाख रुपए और जीएसटी की रेट है 18% तो 5 लाख का 18% यानी 90,000 रुपये आपको जीएसटी इस केस के अंदर पे करना है तो फंडामेंटली जो हमारे वैल्यूएशंस हैं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट कि वैल्यू कैसे निकाली जाएगी गुड्स की सर्विसेज की और दोनों के रिलेशन में सेक्शन 15 ही है सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज तो देखिए व्हाट सेक्शन 15 प्रोवाइड्स इज ये हमारी जो वैल्यू होगी जीएसटी के अंदर वो बेसिकली ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी वैल्यू क्या होगी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी ट्रांजैक्शन वैल्यू एक तरह से क्या हो गई इनवॉइस में जो वैल्यू चार्ज कर रहे हो आप इट इज बेसिकली द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सेट सप्लाई फॉर द सेट सप्लाई जहां पे सप्लायर और रेसिपिएंट आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए सप्लायर एंड रेसिपिएंट दे आर नॉट रिलेटेड सप्लायर और रेसिपिएंट आपस में रिलेटेड नहीं हो और प्राइस क्या है सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई प्राइस जो है वो फोल कंसिडरेशन हो फॉर सप्लाई तो कहने का मतलब क्या है वैल्यूएशन यहां क्या आ रही है वैल्यू क्या हो रही है ट्रांजेक्शन वैल्यू है बेसिकली वॉट ट्रांजेक्शन वैल्यू इज ट्रांजेक्शन वैल्यू इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ जहाँ सप्लायर और रेसिपिएंट आपस में रिलेटेड नहीं हो और प्राइस सोल कंसिडरेशन हो जैसे सपोज कीजिए एक्स वाई जेड लिमिटेड ने सप्लाइड गुड्स टू पी क्यू आर लिमिटेड को माल सप्लाई किया और प्राइस चार्ज की है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस 25 लाख रुपए और कोई और कंसिडरेशन इसको फ्लो नहीं हो रहा है तो 25 लाख रुपए एक तरह से क्या हो जाएगी जो इनवॉइस में प्राइस चार्ज की जा रही है दैट इज अ ट्रांजेक्शन वैल्यू यही क्या है इस पे आपके जीएसटी विल बी लेवीड एट रेट ऑफ से 12% 3 लाख रुपए आपके क्या हो जाएगा जीएसटी लग जाएगा पर अगर रिलेशनशिप है या प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं अदर एडिशनल कंसिडरेशन फ्लो हो रहा है तो फिर वैल्यूएशन रूल्स के अनुसार जाके क्या है किया जाएगा तो फंडामेंटली
हमारे 15 1 बता रहा है ट्रांजैक्शन वैल्यू, वैल्यू क्या होगी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, 15 2 के अंदर इंक्लूजन्स हैं इन ट्रांजैक्शन वैल्यू, और 15 3 में एक्सक्लूजन्स हैं फ्रॉम ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स दे रखे हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू में। फिर नियमों के अनुसार जाके 15 4 के हिसाब से कई केसेस के अंदर वैल्यूएशन एज पर रूल्स, रूल्स के अनुसार इसका वैल्यूएशन होगा, जैसे रिलेशनशिप हो गई, सोल कंसिडरेशन सप्लाई का नहीं है, कई सर्कमस्टेंसेस हैं जहां फिर ये सेक्शन 15 अप्लाई नहीं हो रहा, नोटिफाइड सप्लाईज के रिलेशन में हमको वैल्यूएशन रूल्स में जाके करना पड़ेगा। तो कंसेप्चुअली चीज क्या हो गई ट्रांजैक्शन वैल्यू, बेसिकली इट इज़ व्हाट द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सेट सप्लाई, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सेट सप्लाई। सप्लायर और रेसिपिएंट आपस में क्या है रिलेटेड नहीं होने चाहिए, दे मस्ट नॉट बी रिलेटेड एंड प्राइस मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। अभी कह रहे हैं आगे कि जब ये सेक्शन 15 की जब हम बात करते हैं तो जो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15 है वो दोनों गुड्स और सर्विसेज दोनों पे अप्लाई हो रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज दोनों पे प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15 आर एप्लीकेबल, ठीक है, दोनों के रिलेशन में प्रोविजन बना रखा है। और प्रोविजंस सीजीएसटी एक्ट में है और यही प्रोविजंस आईजीएसटी एक्ट में भी क्या है अप्लाई हो रहे हैं, यानी वैल्यूएशन का एक ही मैकेनिज्म रहेगा सबके लिए, चाहे वो सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी हो या यूटीजीएसटी हो, और आईजीएसटी के अंदर यही सेक्शन अप्लाई हो रहा है वैल्यूएशन के लिए रिलेशन में। सो अब जैसे सपोज कीजिए एक्स वाई जेड लिमिटेड है, उसने पी क्यू आर लिमिटेड को माल बेचा 1,50,000 में, उसने एबीसी लिमिटेड को माल बेचा 1,600,000 में, और टीटी लिमिटेड को माल बेचा 1,650,000 में, तो एक केस के अंदर 1,50,000 रुपये ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी या प्राइस सोल कंसिडरेशन है, कोई एडिशनल कंसिडरेशन फ्लो नहीं कर रहा, दूसरे केस में 1,600,000 रुपये ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, और तीसरे केस में 1,650,000 रुपये क्या हो जाएगी ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगी। तो तीनों ही वैल्यूएशंस ऐसे कर रहे हैं हमको, ठीक है। अब देखिए कुछ इंक्लूजन्स हैं कुछ एक्सक्लूजन्स हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर, 15 2 बेसिकली इट इज डीलिंग विद व्हाट इंक्लूजन्स, तो ये कह रहा है कि ऑल टैक्सेस ड्यूटीज सेस फीस एंड अदर चार्जेस पेएबल अंडर एनी लॉ वो सब इंक्लूड हो जाएंगे, एक्सेप्ट ये इंक्लूडेबल रहेंगे, डिस्कस करेंगे अभी अपन। एक्सेप्ट क्या क्या नहीं इंक्लूड हो रहा, सीजीएसटी खुद, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, जब ये इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है या इंटर स्टेट होगी तो आईजीएसटी होगा, या जीएसटी कंपनसेशन सेस सेम इज नॉट इंक्लूडेड। फिर दूसरा कह रहे हैं कि जब पहले तो बोला सारे ड्यूटीज टैक्सेस सेस अदर चार्जेस विच आर पेएबल अंडर एनी लॉ द सेम इज व्हाट इंक्लूडेड इन द वैल्यू, ठीक है, ये इंक्लूड हो रहा है वैल्यू के अंदर। फिर देखो 15 2 बी के अंदर जो सप्लायर्स ओब्लिगेशन है, काम किसका था सप्लायर का, मेड बाय रेसिपिएंट, वो इंक्लूड होएगा, अभी डिस्कस करेंगे हम। 15 2 सी के अंदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, जैसे कमीशन हो गया, पैकिंग हो गया, एंड एनी अमाउंट
incurred before delivery to the recipient, वो include हो जाएगा. Before delivery of goods to the recipient or supply of services, whatever amount is done, incurred, the same will be what? Includable in the value. 15 to D के अंदर आपके interest है on delayed payment of the consideration. On delayed payment of consideration. ये include हो रहा है. और 15 to E के अंदर subsidies which are directly linked to the prices, वो include की जा रही है. पर अगर government से या state government से या central government से subsidy मिल रही है तब वो include नहीं होगा. तो ये inclusions बता रखे हैं 15 to के अंदर. तो what first 15 to A provides is any taxes, duties, cess, fees, charges levied under any law for the time being in force if charged separately by the supplier. अगर वो सेपरेटली चार्ज कर रहा है कौन? सप्लायर. ये ड्यूटीज, टैक्सेस, सेसेस, फीस एंड चार्जेस इफ दे आर चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर. तो जैसे अगर हम देखें, जैसे सपोज कीजिए प्राइस ऑफ गुड्स है 5 लाख रुपए और उसके अलावा क्या है, दीज गुड्स आर सब्जेक्ट टू एक्साइज ड्यूटी ऑल्सो और एक्साइज ड्यूटी चार्ज की जा रही है एट रेट ऑफ 10%. से फॉर एग्जांपल तो 50,000 रुपये, तो ये 5 लाख में 50,000 रुपये इंक्लूड हो जाएंगे. जैसे सपोज कीजिए रेंटिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी का काम है, रेंटिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी है, रेंट आ रहा है हमारे 5 लाख रुपये जो हम रेसिपिएंट से ले रहे हैं. उसके अलावा म्यूनिसिपल टैक्सेस जो हमने पे किए वो हमने क्या कर लिए, टेनेंट से रिकवर किए. म्यूनिसिपल टैक्सेस से 70,000 रुपये या 75,000 रुपीज़ हमने रिकवर किए. तो अब वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जिसपे जीएसटी लगेगा वो 5 लाख नहीं होगा, भले इसे टैक्सेस का एलिमेंट है, पर 15 to A कह रहा है कि इस टैक्सेस के एलिमेंट को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा. तो फंडामेंटली फॉर 15 to A क्या बता रहा है कि वॉट एवर टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस एंड चार्जेस एक्सेप्ट दोज लेवीड अंडर द CGST एक्ट, SGST एक्ट, UTGST एक्ट एंड GST कंपनसेशन एक्ट, दोज टैक्सेस विल बी इंक्लूडेड. बट द टैक्सेस विच आर लेवीड अंडर दिस एक्ट, GST विच इज लेवीड अंडर दिस एक्ट और SGST और UTGST और GST सेस द सेम विल नॉट बी इंक्लूडेड. तो इशू कहाँ अराइज हो जाता है, जैसे हम देखें ये इशू कहाँ अराइज हो रहा है. इशू सपोज करो ये अराइज हो रहा है आपके जैसे टबेको एंड मैन्युफैक्चर टबेको पे एक्साइज ड्यूटी इज देयर, उसके बाद इस पे क्या लग रहा है, जीएसटी भी लग रहा है. तो अब अगर 10 लाख रुपए है और एक्साइज ड्यूटी लग गई 1,25,000 रुपए, तो अब वैसे तो एक्साइज ड्यूटी रेवेन्यू का शेयर है, ड्यूटी ऑफ एक्साइज शेयर ऑफ रेवेन्यू, परंतु क्या है आपको इंक्लूड करना पड़ेगा जीएसटी पर्पस के वैल्यूएशन के लिए. इसी हिसाब से जब उसके अपन ने बताया म्यूनिसिपल टैक्सेस लेवीड बाय लोकल अथॉरिटीज, ये भी क्या हो जाएगा, सेम विल बी इंक्लूडेड. व्हाट एवर म्यूनिसिपल टैक्सेस आर लेवीड बाय द लोकल अथॉरिटी इंक्लूड कब हो रहा है, इज सेम इज रिकवर्ड फ्रॉम रेसिपिएंट. इस हिसाब से सपोज करो एंटरटेनमेंट टैक्स
विच लेवीड बाय लोकल अथॉरिटीज. वो भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा. अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है और यू नो ट्रेवल बाय एयर पे, एयर फेयर जो है उस पे क्या ले रही है सरकार, पैसेंजर टैक्सेस ले रही है. तो ये पैसेंजर टैक्सेस भी क्या हो जाएंगे, इंक्लूड कर लिए जाएंगे. तो पहला तो हो गया एनी टैक्सेस ड्यूटी सेस फीस एंड चार्जेस विच आर लेवीड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स एट द दोज एंड विच हैव बीन लेवीड अंडर सी जी एस टी एक्ट, एस जी एस टी एक्ट, ड्यूटी जी एस टी एक्ट और जी एस टी कंपोजिशन सेस. द सेम विल बी इंक्लूडेड इफ दे आर चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर. सप्लायर रिकवरी नहीं कर रहा है रेसिपियंट से तो इंक्लूड नहीं होगा. इफ सप्लायर डू नॉट रिकवर इट फ्रॉम द रेसिपियंट इट वॉन्ट बी इंक्लूडेड. फिर दूसरा है सप्लायर्स ओब्लिगेशन मेड बाय द रेसिपियंट. 15(2)(b) इज बेसिकली वॉट इट इज, सप्लायर्स ओब्लिगेशन मेड बाय रेसिपियंट. जैसे सपोज करो सप्लायर ने रेसिपिएंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कि भाई गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट रेसिपिएंट प्रीमाइसेस, यानी एफओआर सेल्स है भाई हम आपके प्रीमाइसेस पे गुड्स के क्या देंगे, डिलीवरी देंगे. अब क्या हुआ, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को जो पेमेंट करना था, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को पेमेंट करना था, सप्लायर ने इंस्ट्रक्ट कर दिया किसको कि भाई हम आपको से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जीटीए को 25,000 रुपये की फ्रेट का पेमेंट आप कर दीजिए हमारे बिहाफ पे. ठीक है, प्राइस एक्सटेंड से लोअर डाउन कर दी गई, भाई 25,000 रुपये का पेमेंट आप कर दीजिए हमारे बिहाफ पे. तो अब ये जो जीटीए को पेमेंट कराया जा रहा है ये थी सप्लायर की ओब्लिगेशन. और ये सप्लायर की ओब्लिगेशन अगर कौन मीट आउट कर रहा है, रेसिपिएंट मीट आउट कर रहा है. और जो प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है तो वो आप क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा. जैसे प्राइस ऑफ गुड्स अपन ने चार्ज किए 4.25, फिर हम क्या ऐड कर देंगे, सप्लायर्स ओब्लिगेशन मेड बाय रेसिपिएंट, ये 25,000 रुपये ऐड कर दिए जाएंगे. और 4,500 रुपये क्या हो जाएगी उस केस के अंदर, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगी. सो व्हाट 15(2)(b) इज प्रोवाइडिंग, भाई अगर सपोज कीजिए सप्लायर ने कोई एग्रीमेंट एंटर किया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के रिलेशन में और इंस्ट्रक्ट कर दिया अपने जो भी रेसिपिएंट कि भाई आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी को ये पेमेंट कर दीजिएगा, तो एग्रीमेंट है और सप्लायर की ओब्लिगेशन अब रेसिपिएंट मीट आउट कर रहा है, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, सेम विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू. तो एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई बट विच इज नॉट विच हैज बीन इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई एंड द सेम इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल. तो वेरियस सॉर्ट्स ऑफ एक्सपेंसेस दे आर टू बी इनकर्ड बाय द सप्लायर एंड इफ रेसिपिएंट इज मीटिंग दोज एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर देन इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टांस इट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई. जैसे अपन ने उदाहरण डिस्कस कर ही लिया फ्रेट का, इसी हिसाब से सपोज करो एक्स वाई जेड लिमिटेड ने मिस्टर एक्स को सेलिंग एजेंट अपॉइंट किया. ठीक है भाई, हमारे लिए प्रोस्पेक्टिव बायर सर्च कीजिए. मिस्टर एक्स ने मिस्टर आर को सर्च कर लिया और आर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया क्या, एक्स वाई जेड लिमिटेड को. तो एक्स वाई जेड लिमिटेड ने बोला कि भाई 25,000 रुपये तो आप ये हमको दे दीजिए और 1,000 रुपये आप क्या है हमारे एजेंट को दे दीजिए. अब बेसिकली क्या हो रहा था, ये ओब्लिगेशन थी
सेलिंग एजेंट था तो सप्लायर की ऑब्लिगेशन थी, कमीशन पे करना किसको, उस एजेंट को, और किसने मीट आउट कर दी, रेसिपिएंट ने मीट आउट कर दी सप्लायर के कहने पे, देयरफॉर द सेम विल बी इंक्लूडेड वेयर इन द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, अगर रेसिपिएंट को सप्लायर ये पेमेंट करता तो प्राइस उस एक्सटेंट से बढ़ा देता, या रेसिपिएंट बोल भाई जो भी सेलिंग एजेंट को सप्लायर ही पेमेंट करता तो प्राइस एक्स रेसिपिएंट से बढ़ा दी जाती, या रेसिपिएंट मना करता भाई मैं तो नहीं दूंगा आप ही दीजिए, तो जब भी वो बोलेगा तो उतने एक्सटेंट की प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अतः क्या है, इसको भी क्या किया जाएगा, जीएसटी पर्पसेस के लिए इंक्लूड किया जाएगा। पर अगर रेसिपिएंट इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर ऑन हिज ओन अकाउंट, वो खुद के अकाउंट भी एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है एंड सप्लायर वॉज अंडर नो एब्लिगेशन, नो ऑब्लिगेशन टू इनकर सच एक्सपेंडिचर, तो फिर क्या होएगा, क्या इंक्लूड होएगा, सच एक्सपेंडिचर विल नॉट बी इंक्लूडेड, सच एक्सपेंडिचर विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। इस केस के अंदर ये एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो दिस क्लॉज बेसिकली डज नॉट ऑथराइज एवरी पेमेंट विद द रेसिपिएंट इज द प्रिंसिपल क्रेडिटर या ओब्लाइजर एंड रिक्वायर दिस आल्सो टू बी इंक्लूडेड इन व्हाट द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। तो जैसे कमीशन दे दिया अपने खुद ने बाइंग एजेंट को अपने, तो सप्लायर ने थोड़ी कहा उसके लिए, तो जब सप्लायर कह ही नहीं रहा है और आप खुद ही कर रहे हो अपने मन से इनकर, तो फिर वो इस केस के अंदर क्या है, वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 15(2)(b) इज सप्लायर ऑब्लिगेशन मेट बाय द रेसिपिएंट। फिर 15(2)(c) क्या बता रहा है भाई, और 15(2)(c) ये बता रहा है कि अगर कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, ये क्या है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, जैसे इंक्लूडिंग क्या, कमीशन, पैकिंग charged by the supplier from recipient of supply. तो ये incidental expenses क्या हो जाएंगे, include कर लिए जाएंगे, inspection charges हो गए and certification charges, वेमेंट चार्जेस हो गए, लोडिंग अनलोडिंग के हो गए, ठीक है, इसी हिसाब से इंस्टॉलेशन हो गया, टेस्टिंग कमीशनिंग, ये सब क्या है, ये सब इंक्लूड हो रहे हैं। तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकिंग चार्ज बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई विल बी इंक्लूडेड, या फिर एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एट द टाइम और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एट द टाइम ऑफ और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और डिलीवरी ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज द सेम विल ऑल्सो बी वॉट इंक्लूडेड। तो वो जो वट एवर अमाउंट वो चार्ज कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स या फॉर बिफोर सप्लाई ऑफ सर्विस और एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, जो सप्लायर चार्ज कर रहा है रेसिपिएंट से, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड कर लिया जाएगा। जैसे कमीशन हो गया, पैकिंग हो गया, चाहे वो नॉर्मल पैकिंग हो चाहे वो सेकेंडरी पैकिंग हो या स्पेशल सेकेंडरी पैकिंग हो, ड्यूरेबल
पैकिंग के रिलेशन में जब तक रिटर्न का एग्रीमेंट अलग से नहीं हो तो वो भी क्या है, इंक्लूड कर ली जाएगी। इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन चार्जेस ये इंक्लूड हो रहे हैं, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस इंक्लूड हो रहे हैं, वारंटी वगैरह है इंक्लूड की जा रही है, आउटवर्ड फ्रेट ट्रांजिट इंश्योरेंस एक्सेट्रा ये सब इंक्लूड हो रहे हैं। वॉट एवर अमाउंट इज चार्ज फॉर एनीथिंग डन बिफोर द डिलीवरी, अगर ये आउटवर्ड फ्रेट ट्रांजिट इंश्योरेंस जब FOR कॉन्ट्रैक्ट है तब इंक्लूड हो रहे हैं, और एक्स फैक्ट्री या एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है तो सेम विल नॉट बी इंक्लूडेड, तब इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, सेम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन सच अ केस। फिर जैसे सपोज कीजिए मिस्टर एक्स अपॉइंट्स कंपनी अपॉइंट मिस्टर वाई एज एन एजेंट टू प्रोक्योर ऑर्डर्स, वाई प्रोक्योर ऑर्डर्स फ्रॉम मिस्टर ए फॉर सप्लाई ऑफ 100 केजीज ऑफ गुड्स पी एट अ प्राइस ऑफ 100 पर केजी। नाउ एक्स कंपनी सप्लाइज द गुड्स टू ए एंड चार्जेस 98 रुपीज पर केजी ओनली विद इंस्ट्रक्शन टू पे 2 पर केजी एज कमीशन डायरेक्टली टू द एजेंट, तो इट इज बेसिकली सप्लायर्स ऑब्लिगेशन मेट बाय द रेसिपिएंट, और कमीशन क्या हो जाएगा इंक्लूड कर लिया जाएगा वैल्यू के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो चार्जेस हैं वो अलग से अगर आप इनकर कर रहे हो और प्राइस में इंक्लूड नहीं किया गया है तो फिर उनको भी क्या किया जाएगा, इंक्लूड कर दिया जाएगा। फिर है 15(2)(d) के अंदर, इंटरेस्ट या लेट फीस जो चार्ज की जा रही है या पेनल्टी चार्ज की जा रही है किसके लिए, फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई सेम विल ऑल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू। जैसे एक्स वाई जेड लिमिटेड ने पी क्यू आर लिमिटेड को माल सप्लाई किया, ठीक है, और 10 लाख रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई थी, ये वैल्यू थी, और बोला कि भाई 30 दिन का हम क्या है 30 डेज क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं, नहीं तो फिर हम 1% पर मंथ की रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। तो अब सपोज़ कीजिए 3 महीने का डिले हो गया आफ्टर क्रेडिट पीरियड, 3 महीने का डिले हो गया आफ्टर क्रेडिट पीरियड और 30,000 रुपीज़ क्या है ये इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, तो इंटरेस्ट जो रिकवर किया जा रहा है दो इट्स अ डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बट सेम विल बी इंक्लूडेड वॉट इन दी वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इंटरेस्ट हो चाहे लेट फीस हो चाहे पेनल्टी हो फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन इट इज इंक्लूडेड वे इन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। उसके बाद कह रहे हैं कि भाई जैसे सपोज कीजिए सब्सिडी मिलती है आपको, तो इट इज बेसिकली डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस, ठीक है, इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस सेम इज इंक्लूडेबल इन द वैल्यू। ये वैल्यू के अंदर इंक्लूड हो जाएगी, बट सब्सिडीज रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिल रही है सेम शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू। फंडामेंटली क्या कह रहे हैं, सब्सिडीज विच आर डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड अमाउंट विल बी इंक्लूडेड, अमाउंट ऑफ सब्सिडी विल बी इंक्लूडेड हुज वैल्यू द पर्सन हु इज रिसीविंग द सब्सिडी। जैसे सपोज करो एक्स वाई जेड लिमिटेड इज अ सप्लायर और पी क्यू आर लिमिटेड क्या है रेसिपिएंट है, और पी क्यू आर लिमिटेड का जो
बायर है, उसने एक्स वाई जेड लिमिटेड को दिए सब्सिडी, किसने दिए सब्सिडी, कि पी क्यू आर लिमिटेड को टाइमली सप्लाई कर दो गुड्स, पी क्यू आर लिमिटेड को टाइमली सप्लाई कर दो गुड्स। तो फिर इस केस के अंदर तो एक्स वाई जेड लिमिटेड पी क्यू आर लिमिटेड को सब्सिडी दे रहा है वो इंक्लूड कर ली जाएगी। पर अगर यही सब्सिडी क्या होती, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही होती या स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही होती, तो फिर क्या हो जाएगा, सेम विल बी इंक्लूडेड, सेम विल नॉट बी सॉरी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ दी सप्लाई। सब्सिडीज विच आर डायरेक्टली लिंक टू प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज विच आर प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, द सब्सिडीज वे आर डायरेक्टली लिंक टू प्राइस एक्सक्लूडिंग दीज सब्सिडीज विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, तो दे बेसिकली विल बी इंक्लूडेड। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी विल नॉट बी इंक्लूडेड एंड द अमाउंट ऑफ सब्सिडी शैल बी इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ द सप्लायर हु रिसीव सच सब्सिडी। फिर 15(3) के अंदर क्या है, एक्सक्लूजन्स दे रखे हैं, सेक्शन 15(3)(a) और 15(3)(b) में एक्सक्लूजन्स दे रखे हैं। क्या बता रखा है 15(3)(a) के अंदर, डिस्काउंट्स विच आर गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, डिस्काउंट जो कि उस समय जब हम सप्लाई कर रहे हैं या बिफोर सप्लाई दिया जा रहा है, प्री सप्लाई डिस्काउंट। वो डिडक्टेबल होगा, कब होगा, सेम इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। तो नॉर्मल केस है, तो 25 लाख रुपए का अपन ने माल दिया है, प्राइस 25 लाख है, लिस्ट लिस्ट प्राइस 25 लाख है और हम इस पे दे रहे हैं 10% डिस्काउंट। ये भैया अब आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 2.5 लाख रुपए डिस्काउंट हो गया, इनवॉइस में सेपरेटली शो कर ही दिया अपन ने, 22,50,000 रुपये क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी, 22,50,000 रुपये सेम विल बी दी वैल्यू ऑफ दी सप्लाई। तो एनी डिस्काउंट 15(3)(a) विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, अब सच इफ सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, इट इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एट द सेम इज ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस विच हैव बीन इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, तो वो डिस्काउंट डिडक्टेबल है। दूसरा है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। अब क्या हो गया पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, यानी सपोज कीजिए अपन ने बोला कि भाई हम टर्नओवर होएगा इस मंथ का, टर्नओवर इस मंथ का अचीव होएगा सपोज करो 1,000 यूनिट, तो हम आपको क्या है डिस्काउंट देंगे, वी विल गिव यू अ डिस्काउंट, ठीक है, इन द सप्लाईज इफेक्टेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ। तो अब यहां जैसे ये कब पता चलेगा ये टर्नओवर की ये इतना अचीव हो गया 1,000 यूनिट, ये पूरा महीना पूरा हो जाएगा, और जो ये नेक्स्ट मंथ की सप्लाई, तो आपने 15 सपोज करो ये बात है जून के महीने की, भी बोला जून में अगर आप 1,000 यूनिट अचीव कर लोगे तो हम आपको जुलाई के महीने में डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% हम लोग जुलाई के महीने में डिस्काउंट देंगे, तो जुलाई की जो महीने की सेल्स होगी। अब यहाँ जुलाई के महीने की डिस्पैच हो गई सपोज़ करो 15 जून को, तो तब तो जुलाई के जून के महीने का 15 जून को ये डिस्पैच हो गई, तो अब 15 जून को जब डिस्पैच हो गई तो जुलाई के महीने का आपको अभी क्या डिस्काउंट देना है या नहीं देना है ये थोड़ी पता चल रहा है, कि जून का टर्नओवर अचीव करने पे ही तो पता चलेगा। तो ये हो गई एक तरह से पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, यानी सप्लाई तो हो गई पहले पर डिस्काउंट दिया जा रहा है बाद में। तो यहाँ डिडक्टेबल कब होगा, ये डिडक्टेबल होगा जब एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट हो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई,
और ये जो डिस्काउंट है इट इज स्पेसिफिकली लिंक्ड टू द रेलेवेंट इनवॉइसेस, एग्रीमेंट होना चाहिए. डिस्काउंट इज स्पेसिफिकली लिंक्ड टू रेलेवेंट इनवॉइसेस. इस डिस्काउंट इज बेसिकली स्पेसिफिकली लिंक्ड टू रेलेवेंट इनवॉइसेस. एंड आईटीसी जो है ना, रेसिपिएंट ने जो क्रेडिट लिया है हैज बीन रिवर्स्ड बाय रेसिपिएंट. ठीक है, आईटीसी रिवर्स कर दिया हो तो जो ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है द सेम विल बी डिडक्टेबल. तो एनी डिस्काउंट विच इज गिवन आफ्टर सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड इफ सच डिस्काउंट इज एस्टेब्लिश इन द टर्म्स आफ्टर सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड हेयर. इफ सच डिस्काउंट इज एस्टेब्लिश इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंटर्ड इन टू बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई स्पेसिफिकली लिंक टू रेलिवेंट इनवॉइसेज एंड आई टी सी एज इज एट्रीब्यूटेबल टू डिस्काउंट ऑन बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द सप्लायर हैज बीन रिवर्स बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई. तो जो भी हम लोग डिस्काउंट का क्रेडिट नोट देंगे, क्रेडिट नोट दिया अपन ने, तो ऑन बेसिस ऑफ क्रेडिट नोट सो इश्यूड द रेसिपिएंट विल बी रिक्वायर्ड टू रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट. सो जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एग्रीमेंट ऑफ जी एल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद डीलर्स इज दैट सेल ऑफ वॉशिंग मशीन ओवर 500 पीसेज इन दिवाली मंथ. दिवाली मंथ में अगर 500 पीसेज आपने अचीव कर लिए तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे फॉर द मशीन सोल्ड इन नेक्स्ट मंथ. तो नेक्स्ट मंथ का तो स्टॉक, जैसे ये दिवाली का महीना है नवंबर और नेक्स्ट मंथ का स्टॉक है यानी दिसंबर का, तो ये नेक्स्ट मंथ स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन डिस्पैच विद द सेल्स फिगर्स ऑफ दिवाली मंथ आर वर्कड आउट. तो दिसंबर की डिस्पैचेस अगर नवंबर में ही पूरी हो गई तो अभी ये थोड़ी पता चल रहा है कि नवंबर में दिवाली महीने में कितना माल बेच दिया आपने. तो अब ये जो डिस्पैचेस तो ऑलरेडी हो गई है, इसके रिलेशन में डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो ये पोस्ट सप्लाई हो गया. हाउएवर द एग्रीमेंट वॉज इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द सप्लाई, डिस्काउंट कैन बी वर्कड आउट फॉर ईच इनवॉइस, टैक्सेबल वैल्यू इज बिल्ड माइनस क्या 5%. द डीलर मस्ट रिवर्स द प्रपोर्शनल आई टी सी, क्योंकि एक बार तो अपन ने पूरा अमाउंट चार्ज कर लिया फिर डिस्काउंट दिया, तो जो रेसिपियंट है उसको आई टी सी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा. परंतु अगर सपोज करो एग्रीमेंट वॉज नॉट देयर इनिशियली, एग्रीमेंट वॉज नॉट देयर एंड डिस्काउंट वॉज गिवन, एग्रीमेंट तो था नहीं पर डिस्काउंट दिया गया है, देन द सेम विल नॉट बी डिडक्टेबल. तो दोनों कंडीशन, सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. एग्रीमेंट पहले होना चाहिए सप्लाई के, अलग से मतलब इनवॉइस लिंक्ड हो डिस्काउंट से कि भाई ये इनवॉइस इसके रिलेशन में डिस्काउंट दिया जा रहा है. देन उसके अलावा क्या है, आईटीसी जो बनता है रेसिपिएंट के द्वारा वो रिवर्स किया जाएगा, तो ये डिस्काउंट एक तरह से डिडक्टेबल है और आप अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हो टू दैट एक्सटेंट. तो देखिए, डिस्काउंट द सेम इज गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर टाइम ऑफ सप्लाई, वेदर इट इज शोन इन द इनवॉइस, इट इज प्री सप्लाई बोलो येस इट इज शोन इन इनवॉइस, डिस्काउंट विल नॉट बी इंक्लूडेड द वैल्यू, बोलो नो इट इज नॉट शोन इन द इनवॉइस, डिस्काउंट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू. इट्स आफ्टर द सप्लाई टर्म्स एग्रीमेंट एग्जिस्टेड एट अ टाइम ऑफ सप्लाई, दिस डिस्काउंट कैन बी लिंक टू द इनवॉइसेस एंड रेसिपिएंट हैज रिवर्स द प्रपोस्टेड आईटीसी इफ ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, क्यूमुलेटिव कंडीशंस आर देयर, ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड बोल यस, देन द डिस्काउंट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई. बट इफ दीज कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस द डिस्काउंट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ सच डिडक्शन. देन 15(4) क्या बोल रहा है कि अगर आप जैसे प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई या फिर गुड्स या सर्विसेज आर सप्लाइड टू रिलेटेड पर्सन्स, गुड्स और सर्विसेज
they supply to related persons. In this particular circumstance, in this particular circumstance, what will happen? You will be go determine the value as per valuation rules. Is this ke liye rule 27 ho gaya, related persons ke liye 28 ho gaya, 29 ho gaya, other the agents bhi related person ki ambit mein aa rahe hain, 30 hai, 31 hai, 32 hai, notified supplies ke relation mein. To rules ke anusar kya karna padega, apne ko us case ke andar valuation karna padega. To aur notified supplies of goods or service, ye bhi kya hai rule 32 ke hisab se kya hoga unka valuation hoga. Jaise second hand goods hoga ya fir se service mein air travel agent ho gaya ya fir life insurance service ho gayi. Yahan kya bana rakhe inhone rules bana rakhe, money changing service ho gayi, niyamon ke anusar jaake fir kya hai valuation karna padega. To 15.4 ye bata raha hai dekhiye ki whether value of the supply of goods or services or both cannot be determined under 15.1. The same shall be determined in the manner prescribed. And for this purpose, we have chapter 4 of the CGST rules contains the rules. Uske alawa, notwithstanding anything contained in 15.1 or 4, the value of such supplies, as may be notified by the government on recommendation of the council, the same will be determined in the prescribed manner. To prescribed manner ke andar wo kya hai? Valuation uske case ke andar kiya jayega. So whether price is the sole consideration for supply, bola no, then valuation will be as per the rules. Bola yes, price is the sole consideration. Whether supplier and recipient are related, bola yes, to niyamon mein jao. Bola no. Whether it is a notified supply under 15.5, bola yes, it is a notified supply, to niyamon mein jao. Bola no, it is not the notified supply, then in that particular circumstance relationship nahi hai, sole consideration hai supply, notified supply nahi hai, to valuation kya hoga? 15.1 के हिसाब से हो जाएगा, असेसेबल वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी और उसमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे आपको 15.2 और 15.3 के. अब देखिए, एक सर्कुलर जारी हुआ हुआ है कि अगर सपोज कीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर. एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, वो क्या कर रहा है, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को कंपोनेंट पार्ट सप्लाई कर रहा है, कंपोनेंट पार्ट सप्लाई कर रहा है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर. कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को क्या कर रहा है, कंपोनेंट पार्ट सप्लाई कर रहा है. ओईएम क्या कर रहा है, इसको मोल्ड और डाइज दे रहा है, मोल्ड एंड डाइज दे रहा है जो ये इसके लिए यूज आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. तो इशू था कि क्या ये मोल्ड और डाइज की वैल्यू इंक्लूड होगी या नहीं होगी. तो डिपार्टमेंट ने ये एक्सपेंड बोला कि ये मोल्ड और डाइस की वैल्यू विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ दोज कंपोनेंट पार्ट्स. वैल्यू ऑफ मोल्ड्स एंड डाइस विल नॉट बी इंक्लूडेड. तो वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई मेड बाय कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर यूजिंग molds and dies owned by original equipment manufacturer will stand free of cost to him. That calculating the value of supply made by component manufacturer using molds and dies owned by original equipment manufacturer stand free of cost to him. The value of such molds and dies shall not be added to the value of supply made by him because
cost of these molds and dies was not to be incurred by component manufacturer and thus does not merit kya inclusion. So these are not to be incurred by component manufacturer. However, suppose kijiye, if the contract between OEM and component manufacturer was for supply of components made by using molds and dies which are belonging to the component manufacturer, in that particular circumstance this fundamental thing will change, because now it is a supplier's obligation which has been met by the recipient. In that case, the component manufacturer has to amortize the value of molds and dies, and same is to be what? Included. Ab dekhiye, there was a clarification regarding applicability of GST on, say, penal interest, additional interest. Agar dekhiye, पीनल इंटरेस्ट और एडिशनल इंटरेस्ट किसके रिलेशन में चल रहा है जब ईएमआईज की बात कर रहे हैं. ईएमआईज है जैसे सप्लायर है गुड्स का, रेसिपिएंट है, और सप्लायर ने उन गुड्स को सप्लाई किया है और ईएमआई मंथली इक्विटेड इंस्टॉलमेंट रेसिपिएंट पे कर रहा है, और अगर डिले हो जाता है पेमेंट में तो उस पे क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है. तो ईएमआई का दो कंपोनेंट है, ईएमआई में इटसेल्फ ही दो कंपोनेंट, एक तो प्रिंसिपल सम है और एक इंटरेस्ट है उसकी ईएमआई है. तो रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रेड एंड इंडस्ट्री रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ चार्जेस इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ क्या इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. डिलेड पेमेंट चार्जेस जो इनकर किए जा रहे हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर. इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट बेसिकली इज फिक्स्ड अमाउंट विच इज पेड बाय बोरोवर टू लेंडर एट स्पेसिफाइड डेट एवरी मंथ, एंड ईएमआईज आर यूज्ड टू पे बोथ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल एवरी मंथ. ठीक है, इंटरेस्ट का एलिमेंट भी है और प्रिंसिपल का एलिमेंट भी है, और अगर कोई डिले हो गई तो फिर क्या हो जाती है एडिशनल या पेनल इंटरेस्ट क्या है चार्ज किया जाता है. इश्यू ये था कि भाई क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्या ऑन एडिशनल या पीनल इंटरेस्ट ऑन द ओवरड्यू लोन, वेदर इट वुड बी एग्जेम्प्ट अंडर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, या क्या ये किसी तरह से ये कोई एक्टिविटी आ जाए एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट. तो दे हैव इशूड अ क्लैरिफिकेशन इन दिस रिगार्ड कि बोला अगर सपोज कीजिए वही इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहा है सप्लायर ही, तो फिर जो भी पीनल इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो इंक्लूड हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग. और सपोज करो सप्लायर है, रेसिपिएंट है, और ये फाइनेंस कंपनी है. तो अब रेसिपिएंट फाइनेंस कंपनी को अगर एडिशनल या पीनल इंटरेस्ट देता है तो ये इट इज नेचर ऑफ इंटरेस्ट, और ये एंट्री 27 की वर्चू से एग्जेम्प्ट होगा. तो एक में तो खुद ही सप्लायर ही एक्सटेंड कर रहा है लोन फॉर सप्लायर वाइल सप्लाइंग दैट गुड्स, तब तो इंक्लूड कर लिया उन्होंने वैल्यू ऑफ गुड्स में. जैसे केस वन है एक्स सेल्स अ मोबाइल फोन टू वाई, द कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन इज 40,000 rupees. हाउएवर एक्स गिव्स वाई एन ऑप्शन टू पे इंस्टॉलमेंट ऑफ 11,000 एवरी मंथ बिफोर 10th ऑफ द मंथ ओवर नेक्स्ट 4 months, 44,000 rupees ऐसे दे यार. फर्दर एज पर कॉन्ट्रैक्ट इन केस देयर इज डिले इन पेमेंट ऑन द शेड्यूल डेट 500 rupees पर मंथ का पेनल्टी लगेगी या एडिशनल चार्जेस लगेंगे. In some instances, X is charging 40,000 for mobile and is separately issuing another invoice providing service of extending loans to Y. And interest is charged at rate of 2.5%, 500 rupees per month, aise le rahe hain. So in this case, yahan kya hai 15(2)(d) ke provisions attract ho rahe hain, aur jo penal interest hai, wo include ho jayega value of supply ke andar in the mobile phone, kyunki supplier aur recipient yahan ek hi hai. Par suppose ki agreement bhale se aap alag alag kar lo, par X
सेल्स मोबाइल फ़ोन टू वाई, कॉस्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन 40,000 है, वाई इज एन ऑप्शन टू अवेल लोन फ्रॉम एक अलग से फाइनेंस कंपनी है, इसी ले सकता है लोन, और ए बी सी अलाउज वाई अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स टू रीपे द लोन एंड एडिशनल एंड पीनल इंटरेस्ट 1.25% फॉर डिले इन पेमेंट. तो अब यहाँ एडिशनल और पीनल इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर वॉट ट्रांजेक्शन बिटवीन वाई एंड ए बी सी लिमिटेड एंड सेम इज बेसिकली गेटिंग कवर्ड अंडर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 एंट्री 27. तो यहाँ पे इट वोंट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी. पर पिछले वाले इलस्ट्रेशन के अंदर जब खुद सप्लायर ही वो एक्सटेंड कर रहा है लोन, पहले से एग्रीमेंट अलग अलग कर दे तो भी उसको क्या किया जाएगा, वैल्यू के अंदर इंक्लूड किया जाएगा. यहाँ मोबाइल फोन की वैल्यू 40,000 रुपीज ही रहेगी और जो एडिशनल और पीनल इंटरेस्ट है द सेम डज नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ एंट्री 5 ही दैट इज एग्रींग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टॉलरेट एन एक्ट और टू एन सिचुएशन बिकॉज दिस इज सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन अंडर एंट्री 12/2017 नोटिफिकेशन नंबर 12/2017. तो वहाँ तो इंटरेस्ट का एलिमेंट रहेगा. दिस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज क्या द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टॉलरेट एन एक्ट. उसके अलावा जो भी सर्विस फीस है, लेट चार्जेस है, प्रोसेसिंग फीस है, जैसे लेट चार्जेस है, सर्विस फीस है, प्रोसेसिंग फीस है, इन सब पे क्या है, सेपरेटली जीएसटी इज लेवीड. ठीक है, उस पर सेपरेटली जीएसटी लेवी होगा. फिर एक रूल 34 दे रखा है कि भाई अपने को एक्सचेंज रेट लेनी है, कौन सी लेनी है, एक्सचेंज रेट फॉर कन्वर्टिंग फॉरेन करेंसी इनटू आईएनआर इंडियन रुपीस और आईएनआर इनटू फॉरेन करेंसी. तो ये एक्सचेंज रेट गुड्स के रिलेशन में तो आपको लेनी है एज नोटिफाइड बाय सीबीआईसी, सीबीआईसी नोटिफाई करेगा और किस दिन की, ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. और वहां पे सर्विसेज के रिलेशन में, सर्विसेज के रिलेशन में एक्सचेंज रेट नोटिफाइड, मतलब एक्सचेंज रेट एज पर गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से जो भी रेट है एक्सचेंज रेट वो ले लेंगे ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई. तो ये रूल 34 बता रहा है. 35 क्या बता रहा है रूल 35, कि अगर अपने प्राइस है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जैसे उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी से 11,80,000 रुपये, 11,80,000 प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, इंक्लूड्स जीएसटी एट रेट ऑफ 18%, इसमें 18% क्या है जीएसटी शामिल है, तो जीएसटी अमाउंट क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ टैक्स इनटू रेट ऑफ टैक्स. ये हो गया 11,80,000 रुपये इंटू 18/118, दैट इज 1,80,000 रुपये. और यू नो वैल्यू क्या हो गई एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी कितनी हो गई, 11,80,000 रुपये इंटू 100/118 यानी 10,00,000 रुपये हो गई इस केस में. इस केस के अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,00,000 रुपये हो गई. अब इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है
अब नेक्स्ट हम लोग इसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम रूल्स के अंदर आएंगे जहाँ प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है या फिर एजेंट्स हैं, रिलेशनशिप है, वहाँ पे फिर कैसे वैल्यूएशन होगा, नोटिफाइड सप्लाइज का, नोटिफाइड गुड्स का, वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे।